नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द वियर्डोस। तो आज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का दूसरा पार्ट हम चालू करने जाएंगे, जो हमने आखिर में छोड़ा था आर्टिकल 51, और उसका पूरा रिव्यू हमने पहले पार्ट में किया था, वहाँ तक हम आए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के तीन पार्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में किए गए हैं। यह है एक अर्ली फेज़, यानी वी आर जस्ट इंडिपेंडेंट। हम जस्ट इंडिपेंडेंट थे, भारत तभी आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद एज अ फॉरेन पॉलिसी, एज अ नेशन, एज अ सोवरेन नेशन, हमें अलग तरह की फॉरेन पॉलिसी लेनी थी। उसके बाद हमारा फर्स्ट एज था 1947 to 1990। ये बहुत बड़ा पीरियड है, इट्स 43 ईयर्स। इन 43 ईयर्स में जब तक पब्लिक सेक्टर में सब कुछ था, जब तक हम ग्लोबलाइज नहीं हुए थे, हम लिबरलाइज नहीं हुए थे, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, तब तक का ये पीरियड। और 1991 टिल डेट, तो ये जो 29 साल है अभी तक के, टिल डेट 28-29 ईयर्स, ये लिबरलाइजेशन के रहे हैं। और इसीलिए हमने इसको तीन अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ना है। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, और प्रधानमंत्री आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत का विदेश तंत्र कैसा हो, भारत की विदेश नीति कैसी हो, इस पर सबसे ज़्यादा उसके पायोनियर कह सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग जिसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इतने 150 साल के बाद, 150 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए थे, तो अभी हमें किसी चीज़ का कॉलोनियलिज्म नहीं चाहिए था, हमें किसी तरह की गुलामगिरी अब नहीं चाहिए थी, किसी के अंडर हमें नहीं रहना था। इसके लिए हमने ग्लोबल पीस को प्रायोरिटी दी, कि आप भी शांति से रहें, हमें भी शांति से रहने दें। और थ्री थिंग्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें भारत की फॉरेन पॉलिसी में स्थान दिया गया और प्रायोरिटी या प्राधान्य क्रम से इन चीज़ों को फॉलो किया गया। वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर। वर्ल्ड वॉर दो हो चुके थे, दुनिया ने अनुबम का खतरा, एटॉमिक बॉम्ब का खतरा देख चुके थे, और इसीलिए अब कोई अगला वॉर करने के लिए मेंटली या फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि अगला वॉर अगर हुआ, आज भी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि लगभग बहुत सारी कंट्रीज के पास अब न्यूक्लियर पावर है। और इसी वजह से हमने इस चीज़ को समझा कि अभी इसके बाद जो होगा वो कोल्ड वॉर होगा, और जो कि हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर, जब यूनियन सोवियत था, रशिया एकजुट था, आज की तरह वो बिखरा पड़ा नहीं था। उस यूनियन सोवियत ने अपने आप को एज अ पावर एस्टेब्लिश किया था, और अमेरिका ने यहाँ पर किया था, इन दोनों के बीच में चलता रहता था वो कोल्ड वॉर। और इसीलिए ना रशिया के प्रेशर में आना है, ना अमेरिका के प्रेशर में आना है, हमें हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का पूरा हक है। और इसीलिए हमने इंडिविजुअल तरीके से हर इवेंट को देखा, इंडिपेंडेंट तरीके से देखा कि हमारी इसमें क्या राय है और हम इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये हम पर निर्भर होगा। इट विल डिपेंड ऑन अस, सोलमली ऑन इंडिया, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम अमेरिका और रशिया। पीस हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फीचर, मतलब हमेशा हम शांति के पुरस्कर्ते रहे, हमने शांति का हमेशा समर्थन किया है, पीस का समर्थन किया है, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड दैट। हम हमेशा खुद किसी को उकसाया नहीं है कभी भी युद्ध के लिए, वॉर के लिए, और इसीलिए हम शांति के समर्थक रहे हैं। द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में हमारा बंटवारा भी हुआ, एक यूनाइटेड इंडिया और पाकिस्तान, इन दो देशों में पड़ गया, और इसीलिए पाकिस्तान से खतरा था, और चाइना जो हमेशा से ही हमारे ऊपर हावी रहा है, और चाइना से भी आक्रमण के खतरे हमें हमेशा सताते रहे हैं। वन मोर फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वॉज इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस, कि हमें हमारी बहुत सारी ज़रूरतों, जितनी ज़रूरतें हम हो सके खुद से पूरी करें, किसी और राष्ट्र या किसी और नेशन के ऊपर हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, किसी और नेशन के ऊपर हमें हाथ फैलाना ना पड़े, उनके सामने हमें हाथ फैलाना ना पड़े। इसी का नाम सेल्फ रिलायंस है, कि अगर जो चीज़ हम जो खुद कर सकते हैं वो हम खुद ही करें। इन द बिगनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द कंट्रीज इन एशिया।
efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and keep our independence intact. हमें हमारी आज़ादी बनाए रखनी थी सबसे पहली चीज़, और एशिया जो कि तभी इमर्ज हो रहा था, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज तभी इमर्ज हो रही थी, और उन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना, उन देशों के साथ, उन राष्ट्रों के साथ रिलेशन बनाना, ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है. उसके बाद एक और कंसेप्ट आया, रीजनल डेवलपमेंट. तो हम हमारे रीजन, हमारे कंट्रीज़, हमारे कॉन्टिनेंट तो करेंगे, और सप्रेस कॉन्टिनेंट्स या सप्रेस रीजन्स को भी हम साथ में लेकर उनकी डेवलपमेंट कैसी हो ये देखें, और फिर हम उनमें अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी साथ ले आए. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ इन कोल्ड वॉर में किसी ना किसी मिलिट्री पैक्ट में सहभागी हुई, आइदर ऑफ द सुपर पावर, या तो अमेरिका के प्रेशर में आकर उन्होंने अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट कर डाला, मिलिट्री एक्सरसाइज पैक्ट, या तो उन्होंने रशिया के साथ मिलिट्री पैक्ट कर दिए, मतलब या तो वो अमेरिका के अंडर चले गए या रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर चले गए. तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का जो मेन काम था कि किसी के अंडर ही नहीं जाना, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर हमें जाना ही नहीं है, किसी का मांडलिक नहीं बनना है, किसी के अंडर नहीं रहना, किसी के लिए हाजी नहीं करनी, और यही चीज़ कोई एशिया अफ्रीकन कंट्रीज़ करने लग गए, कुछ सभी नहीं, कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ करने लगे. तो इसकी वजह से फिर रीजनल डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी पीछे पड़ गई, क्योंकि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन पिलर है नॉन अलाइनमेंट, कि हमें ना इस तरफ जाना, हमें ना उस तरफ जाना, हमें अपना अस्तित्व खुद बनाए रखना है और हर चीज़ पर इंडिपेंडेंट रहना है. तो इसीलिए इस प्रोसेस को रुका दिया गया, दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट आफ्टर दिस कंट्रीज ऑफ एशियन अफ्रीका विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मिलिट्री पैक्ट सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया, पीस एंड फ्रीडम बिकॉज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट पार्टी. पीस एंड फ्रीडम, शांति से रहना और आज़ादी से रहना, ये हमेशा नॉन अलाइनमेंट की दो प्रमुख चीज़ें रही है. इस काल में, अर्ली फेज में, हमें पाकिस्तान के साथ बहुत सारी कन्फ्लिक्ट झेलनी पड़ी. एक 1947-48 का वॉर, 1947-1948 का कश्मीर के लिए जो वॉर हुआ वो वॉर, उसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, घुसखोरी की थी, तब का एक वॉर, और 1971 के वॉर में कहा जाए तो हमने एक तरह से एक साइकिल कंप्लीट किया, एक तरह का बोलते हैं द लाइफ इज़ अ सर्कल, उस चीज़ का अनुभव हमें आया कि हम, हमारा जिस तरह से बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, भारत का जिस तरह से बंटवारा हुआ 1947 में, उसका बदला 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर, एक अलग सोवरेन कंट्री बनाकर हमने पाकिस्तान को ही डिवाइड कर दिया. 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट एंड इंडिपेंडेंट बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड. सो ये इवेंट बहुत ही बड़ा माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि केवल 13 या 14 दिन में ये लड़ाई हमारे लिए जनरल सैम बहादुर मानेकशॉ ने जीती थी. 16 दिसंबर की शाम 4:30 बजे ढाका के पब्लिक रेस कोर्स पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया अपने हथियारों के साथ. दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, क्विकेस्ट और सबसे बड़े अमाउंट का ये सरेंडर माना जाता है आज तक, और ये बहुत रिकॉर्ड टाइम में हुआ है. इसके लिए आप बहुत सारी वेब सीरीज है, सिंहासन करके एक वेब सीरीज़ है एबीपी माझा पे, जिसको एबीपी न्यूज़ प्रधानमंत्री के नाम से भी दिखाती है. तो 1971 वॉर किस तरह से लड़ा गया, किस तरह से जीता गया, उसकी इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल में और अच्छी तरह से आपको वहाँ पर मिलेगी. इन द डिकेड ऑफ द 1970s देयर केम अबाउट सम स्टेबिलिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंडिया हैज राइजन एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया. ये कब हुआ, भारत दक्षिणी एशियाई देशों में एक सुपर पावर, सत्ता बन के उभरा, एक बड़ा नाम बनकर उभरा, ये साल था 1974, और इसलिए हमें कंडक्ट करने पड़े न्यूक्लियर टेस्ट. सुपर पावर बनने के लिए हमने कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किए, लेकिन सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हम सुपर पावर के दर्जे से नवाजे गए. पोखरण में प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी के नेतृत्व में, जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी तभी पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, और उसी का नतीजा भारत की साख, भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ गया. फ्रॉम 1980s हाउएवर सम चेंजेस बिगन टू टेक प्लेस. किसी कारण 1980 के बाद चीज़ें बदलने लग गई, और फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ का अपना एक कोऑपरेशन तैयार होने लग गया, एक अपना गुट तैयार होने लग गया, जिसे नाम दिया गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, SARC,
सार्क नेशंस, और इसी में इन इन देशों में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में संवाद बढ़े, डायलॉग बढ़े, इसीलिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया, इंडिया ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। और इसी की वजह से हम चाइना से भी हमारे संबंध मजबूत कर पाए। इंडिया आल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। अब हम सिक्योरिटी में चाइना, अमेरिका या तब के USSR से कई ज़्यादा कमज़ोर थे, तो हमें सिक्योरिटी के लिए उनसे इंटरडिपेंडेंसी बनानी थी। इंटरडिपेंडेंट थे हम, उसके लिए अच्छे रिलेशन बनाना ज़रूरी था, तो 1980s के पीरियड में ये चालू हुआ, और ये फर्स्ट स्टेज आता है अब 1947 टू 1990। अब जो कि पहले अर्ली फेज़ में आ चुका है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, कोल्ड वॉर है, तो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, इंडिया कुड गेट इट फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स। ऐसा होता है, हम जब भी स्कूल में बैठते हैं या कॉलेजेस में बैठते हैं, हर स्कूल में या कॉलेज में आपके क्लास में एक लड़का होता है जिसकी सबके साथ बनती है, जो किसी से दुश्मनी नहीं करता और किसी की साइड भी नहीं लेता, जिसकी वजह से होता ये है कि वो सबका चहेता बन जाता है और उसकी सबके साथ दोस्ती होती है, तो सबके साथ मदद भी ले पाता है। भारत ने यही किया, भारत ने अमेरिका के प्रेशर में नहीं आए, रशिया के भी प्रेशर में नहीं आए, लेकिन किसी को दुखाया नहीं और अपने पीस और नॉन अलाइनमेंट पर डटे रहे। इसी का फ़ायदा भारत को हुआ, भारत को रशिया से भी मदद मिली और भारत को अमेरिका से भी मदद मिली। देर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्पोर्टेड सोवियत यूनियन, फ्रांस और जर्मनी। भारत को जर्मनी ने, सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया, तब का सोवियत यूनियन और फ्रांस ने इस मामले में बड़ी मदद की। आज भी यही कंट्री में से फ्रांस और रशिया हमें आज भी मदद करता है जब बात आती है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वेपनरीज की। इन दिस पीरियड इंडिया हैज़ टू फेस सम चैलेंजेस। दीज इंक्लूडेड द कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, जो मैंने बताया 1947-48 का कश्मीर वॉर, 1965 का पाकिस्तान वॉर, 1962 में साइनो इंडियन वॉर जो कि हम हार गए थे, और 1971 में हमने पाकिस्तान के टुकड़े करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। और भारत ने 1974 में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। यही है फर्स्ट स्टेज की कहानी। सेकंड स्टेज में हम हो गए लिबरल, हमने दुनिया को एक मार्केट समझा, दुनिया ने हमें एक मार्केट समझा, एंड द वर्ल्ड बिकम अ स्मॉल विलेज, जैसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, या उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डायनामिक। हम पब्लिक सेक्टर से बाहर निकलकर प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी बातें होती है उसको भी हमने अंदर लेना चालू किया, उसे भी सरकार में शामिल किया, सरकार के कामों में शामिल किया गया। तो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द प्रायोरिटी नो लॉन्गर रिमेन टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशन। अब हमें बिजनेस भी करना था। सेवरल अदर डायमेंशन लाइक इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी गॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी तो उसका एजुकेशन अच्छा ले सकेंगे, एजुकेशन अच्छा ले सकेंगे तो नई टेक्नोलॉजी बना सकेंगे, रिसर्च कर पाएंगे, अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, उससे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे उससे हम अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, और उससे अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो लेने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, उसका पैसा ज़्यादा आएगा। और किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट और सोवरिन रहने के लिए जितनी ज़्यादा गरज डिफेंस की, जितनी ज़्यादा ज़रूरत डिफेंस की होती है, उसके बाद तुरंत बाद अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर आता है किसी के फॉरेन पॉलिसी के लिए या किसी भी कंट्री को सोवरिन और इंडिपेंडेंट रहने के लिए, तो वो है इकोनॉमी। इसलिए इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए 1991 में बहुत सारे बदलाव हुए। 1991 इज़ अ ईयर ऑफ चेंज कहा जाता है। आफ्टर 1991 इंडिया रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल्स, हर चीज़ में, छोटी मोटी चीज़ में सरकार का दखल कम हुआ और इकोनॉमी पर लिबरलाइजेशन का प्रभाव पड़ा। फ्री मार्केट पॉलिसी नेचुरली, मतलब कोई भी कंट्री आपके यहाँ पर आकर व्यापार कर सकती है और हमारी कंपनियाँ भी वहाँ जाकर व्यापार कर सकती है। देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड। अब हमने सबके लिए दरवाजे खुले किए तो लोग ज़्यादा आएंगे विद नेबरिंग कंट्रीज। हमने हमारे पड़ोसियों के साथ भी ये करने की कोशिश की। आर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। हमारा टैलेंट बाहर गया, हमारी कंपनी बाहर गई, हमारे प्रोडक्ट बाहर गए, तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में, जागतिक दुनिया के व्यापार में हमारे संबंध मजबूत हुए। एफर्ट्स बिगन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तादाद में कोशिश की गई। इन द डिकेड आफ्टर 1990s, द रिलेशन विद साउथ एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम बिकेम स्ट्रॉन्गर।
इससे पहले भी हमारे रिलेशन ख़राब नहीं थे इनके साथ, लेकिन थोड़े ज़्यादा अच्छे हो गए। आर ट्रेड एक्सचेंज विद इसराइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इंक्रीज। इसराइल के साथ हमारे संबंध पहले से ही अच्छे रहे और आज भी अच्छे रहे। जापान, चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे ट्रेड यानी व्यापारी संबंध अच्छे बने। आज आप देखते हो कि इसराइल का नाम सुनते ही है, इसराइल के अभी के प्रधानमंत्री जो चल रहे हैं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अभी के हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनके बीच में आप जो दोस्ती देखते हो, ये कहीं ना कहीं हमने जो फॉरेन पॉलिसी बिल्ड की है उसी का नतीजा है। और इसी वजह से वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का अच्छा स्वागत होता है, यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री का अच्छा स्वागत होता है, ये सब फॉरेन पॉलिसी की बातें हैं। इंडिया बिगन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हमारा इम्पैक्ट डालने लगे, तो G20 एंड ब्रिक्स, इसमें हमारी मजबूत पकड़ भी है और हमारा ओहदा भी इन संगठनों में ज़्यादा है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहले ये सिर्फ चार ही देशों का संगठन हुआ करता था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये जो एस है साउथ अफ्रीका का, ये बाद में आया है, ये बाद में ऐड हुआ है। इसके लिए पहले चार फाउंडर नेशन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, बाद में साउथ अफ्रीका आया तो इट बिकेम ब्रिक्स। तो BRICS, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का लोगो है। इंडिया 2016, भारत में ब्रिक्स की परिषद 2016 में हुई थी, इसका ये लोगो है। और फिर हमारे अमेरिका के साथ भी रिलेशन बढ़ते गए, अच्छे होते गए। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब उनका हमारे ऊपर का विश्वास और उनके लिए हमारा विश्वास बढ़ गया। इंडिया स्टेटस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब हमने एक बार छोड़कर दो बार न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो हमने दिखा दिया है कि हम शस्त्रास्त्र में, वेपनरीज में या सज्जता में, हम तैयारी में कहीं भी कम नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ का उपयोग तभी करेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, या फिर हम इस चीज़ का उपयोग कभी भी डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, इसका पूरी दुनिया को विश्वास है। और इसीलिए अब म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ने लगा है या बढ़ गया है। अब भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यस, आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। न्यूक्लियर फिशन से केमिकल न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ती है। यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, थोरियम के आइसोटोप्स होते हैं, वो रिएक्टर होता है, उसमें हैवी वाटर डालना होता है। दैट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, यू विल गेट टू नो इट अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ साइंस, वेयर द न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, द डिफरेंस बिटवीन दैट, द रिएक्टर प्रोसेस विल बी एक्सप्लेन्ड। पर ये हिस्ट्री है, सो विल गो अकॉर्डिंगली। सो हैविंग अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर अब नए ज़माने को हमें ज़रूरी है, नए ज़माने की वो नीड है, इट्स अ नीड ऑफ एन आर। तो हमें 1947 से उस पर काम करना चालू किया। हमारे एक एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इन्होंने ARC की स्थापना भारत में की, ARC यानी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका नाम बाद में BARC हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन द नेम ऑफ ऑनर, एज ऑन ऑनर उनके नाम पर उस सेंटर का नाम दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1947 से ही इस एटॉमिक एनर्जी पर काम करना चालू किया। और हमने इनिशियली इसका यूज़ करने का सोचा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि इट विल बी एन अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल है, ये सब बचा रहे और अनकन्वेंशनल सोर्सेज से हम एनर्जी जुटा पाए। सो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज डॉक्टर होमी भाभा इनके फर्स्ट चेयरमैन थे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE बना, बाद में वो ARC की स्थापना मुंबई में हुई, दैट गॉट चेंज टू BARC, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स द डिफरेंट थिंग, सॉरी, इट इज एंट अ प्रॉब्लम। इवन दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉज द मेन पर्पज, जैसे मैंने बोला, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी और हमारी शस्त्र सज्जता को बढ़ाना, हमारे वेपनरीज को बढ़ाना, इसका मूल उद्देश्य था और इस चीज़ को कोई नकारेगा नहीं। भारत ने अपने इस ताकत का परिचय, इस पावर का रियलाइजेशन पूरी दुनिया को करवाया 1974। और फिर इंडिया ने वापस न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और उसकी टेस्ट करवाई 1998 में, जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट और 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट, ये दोनों न्यूक्लियर टेस्ट एक ही जगह पर हुए हैं, पोखरण।
अब भारत के पास, इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि हमारे एयर मिसाइल्स, एयर मिसाइल्स है भी हमारे पास, मिसाइल्स है जो एटॉमिक एनर्जी कैरी कर सकते हैं, एटो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी के पास भी ऐसे ऐसे कैरियर्स है जो कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। सो वी हैव दैट मच ऑफ पावर। अब है इंडिया इज़ नाउ अ कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स और हमने रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का रोल स्वीकार किया है कि हम बिल्कुल भी किसी तैश में आकर या किसी भावना के भाव में आकर इसका उपयोग नहीं करेंगे, ताकि हम खुद पीस के प्रमोटर हैं, हम शांति के प्रमोटर हैं, हम स्वतंत्र के प्रमोटर हैं और हम किसी भी चीज़ का उपयोग उसके डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करेंगे, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया हैज़ बिन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट यानी दुनिया से हथियार हटा देना। अगर हथियार हटा देंगे तो लड़ाई होगी नहीं, इट्स अ नोवेल कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल साइंस में होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, तो डिसआर्मामेंट इज़ ऑल्सो हाइपोथेटिकल। इस दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा जो पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जब भी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन आप देखो, 6-7 में पढ़ाते होंगे शायद, I don't have idea, लेकिन ह्यूमन जब भी इवॉल्व हो रहा, इवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा था, ही वॉज इन स्टोन एज, देन ही वॉज इन लाइक ब्रॉन्ज एज, उन्होंने सबसे पहले कोई चीज़ बनाई है तो हथियार, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तभी के आदि मानव को हथियार ज़रूरी था। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हथियार इंसान से पूरी तरह नहीं छूट सकता या किसी कोई कंट्री पूरी तरह से उसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन कम से कम उसका इस्तेमाल हो ताकि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, ये डिसआर्मामेंट का मोटो है। बिकॉज इट इज़ इन इंडियाज पोजिशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, जो हम चाहते हैं शांति दुनिया में। हैविंग टेकन अ सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन द वे वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज डिफेंस सिस्टम, अगले चैप्टर में इंडिया के डिफेंस सिस्टम और उनके तीन मुख्य अंग जो कि है एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये डू यू नो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डू यू नो एक्चुअली ये डू यू नो के लिए मुझे लगता है 2 मिनट ही लगेंगे, मैं करता हूँ। न्यूक्लियर वेपन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, तो इसके लिए आगे जाके न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड रुके और न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम बने, इसके लिए 2 ट्रीटीज साइन की गई। एक है, 2 ट्रीटीज बनाई गई एक्चुअली, एक है NNPT दैट इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, इसको याद रख सकते हैं CTBT, और एक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NNPT। अब इसका मतलब क्या, नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब जहाँ तक अब न्यूक्लियर पावर स्प्रेड हुआ है ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर पावर स्प्रेड नहीं करेंगे। मतलब अब तक जिन देशों के पास, जिस कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो तब तक के लिए तो ठीक है, इसके बाद कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं होगी या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी। ये NNPT और CTBT मतलब अगर आप कोई न्यूक्लियर पावर बनेंगे नहीं, न्यूक्लियर आप टेस्ट करेंगे ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर बनेंगे नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे नहीं, तो फिर उसका टेस्ट भी क्यों करना। सो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पॉलिटिकल साइंस का अंदाज़ा है तो मैं बोलूं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पे प्रेशर डालने के लिए बनाया था, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है ऑलरेडी, जिनके पास पावर है, रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग का फ़ायदा था इनमें, इन बड़े कंट्रीज़ का इनमें फ़ायदा था कि हम छोटे कंट्रीज़ को रोकेंगे, उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और हम फिर राज करेंगे। तो जानबूझ के किसी को कच्चा नींबू बना देना जैसी ये स्ट्रेटर्जी है। और हम शांति के पुरस्कार करते हैं, हम जानते हैं शांति बहुत मायने रखती है, हम पीस प्रमोट करते हैं, हम जनरोसिटी चाहते हैं, हम सब में अमन शांति चाहते हैं, इंडिपेंडेंस बना रहे, सब लोग शांति से रहे, ये हम चाहते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। भारत एक देश के नाते सावधान हमेशा रहा है, हम भले ही शांति के पुरस्कार करते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन जेनरस होना किसी चीज़ के लिए, जेन्यून होना और भोला बनना, मूर्ख बनना, ये अलग चीज़ है। भारत की नीयत भोली और मूर्ख नहीं है। तो हमने इन ट्रीटीज़ पर, दोनों ही ट्रीटीज़ पर, NNPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इन दोनों पर कभी भी हमने साइन नहीं किया। एक्चुअली हमारे टेस्ट के पहले ही, हमने 1998 में जो टेस्ट किया, इससे पहले ही इन ट्रीटीज़ बनाई गई थी,
ताकि उन्हें कहीं से पता चल गया था कि हम वापस टेस्ट करने वाले हैं, और धोखा यही था उन्हें, डर यही था कि शायद इंडिया इसका उपयोग करके सुपर पावर ना बन जाए। लेकिन 1998 में इसी किसी प्रेशर के लिए हम विक्टिम नहीं हुए, हमने ऐसे कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर आने दिया, और हमने बड़ी हिम्मत से 1998 के टेस्ट किए एंड वी इमर्ज एज अ विक्टोरियस पावर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो दिस ट्रीटी हैव बीन ऑलवेज सप्रेसिव ऑन द नेशंस वर डेवलपिंग, बट हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो दैट इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, दैट इज़ डू यू नो, ये मालूम होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम लेके। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बी वियर्ड, बी वियर्डोस। थैंक यू सो मच।